डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे। हमने संख्याओं पर आधारित पर एक वीडियो आपके तक पहुंच गया होगा। एक से लेकर 30 तक के सवाल थे, ढेर सारे क्वेश्चन इसमें हैं। और आपको बताऊं, अगर इस पर आपकी पकड़ बन जाए तो आपको यक्ष मानना आ जाएगा, और यक्ष मानना आ गया तो समझो गणित का एक बड़ा हिस्सा आपका हो गया। तो एक से लेकर 30 तक सवाल हम करवा चुके थे। आगे बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ये तो 30 ही है, 31 से हमें फिर से देखना है। आओ देखो ये सवाल क्या है और कैसे सॉल्व किया जाएगा। लिखा, एक संख्या के वर्ग का दोगुना उस संख्या के 11 गुने से 21 अधिक है। एक संख्या मतलब कौन? यक्ष। एक संख्या के वर्ग का दोगुना, देख रहे, एक संख्या के वर्ग का दोगुना उस संख्या के 11 गुने से, उस संख्या के 11 गुने से 21 अधिक है, प्लस 21, और ये बात हो गई बराबर। अब बस x की वैल्यू निकाल लो, आपका उत्तर आ गया। क्वेश्चन पढ़ने के बाद, हिंदी का क्वेश्चन है, पढ़ने के बाद जो आपको एक लाइन या आधी लाइन की गणित लिखनी पड़ती है वही उतना गणित होता है, बाकी सब लेबर। आओ देखते हैं। अब ये द्विघात समीकरण बन गया, 2x² - 11x - 21 = 0। हमें दो संख्याएं चाहिए जो 21 × 42, जोड़ने पर -11 आ जाए और गुणा करने पर 42 आ जाए, 14 × 3 = 42। आओ देखा जाए, 2x² - 14x + 3x - 21 = 0। अब 2x² है, ये 2x कामन ले लीजिए, x - 7, और प्लस 3 कामन ले लीजिए, x - 7 = 0। अब एक ब्रैकेट में x - 7, दूसरे में 2x + 3 = 0। अब बताओ x की वैल्यू यहाँ 7 आ गई और यहाँ x की वैल्यू -3/2 आ गई। x के दो मान आ रहे हैं, कहीं पर दिखाई पड़ रहा हो 7 और -3/2, जरा देखो बी विकल्प को ध्यान से देखो, आपका आंसर बी सही है। यानी वह संख्या या तो 7 हो सकती है या तो -3/2 हो सकती है। पहला क्वेश्चन आपके सामने हो चुका है, अगला सवाल है। देखो जरा, दो संख्याएं 1:5 के अनुपात में हैं तथा इनका गुणनफल 320 है, इन संख्याओं का योग कितना होगा? सवाल देखो, जब भी कोई संख्या अनुपात में आ जाए तो उसके साथ एक वेरिएबल सोचा जाता है, यक्ष रख डाल दो उसके साथ। 1:5 है तो हम इसको 1x और 5x कह सकते हैं। अब इनका गुणनफल दिया हुआ है 320 है, बताओ क्या इससे x की वैल्यू हमें मिल जाएगी? जी हाँ मिल जाएगी, 5x² = 320, इसका मतलब x² = 5×5 = 20, इसका मतलब x का मतलब 8, x की वैल्यू 8 आ चुकी है। हमसे पूछा गया इन संख्याओं का योगफल कितना होगा, बताओ 1x और 5x जोड़ोगे तो 6x हो जाएगा, हमें 6x का मान बताना है। 1x की वैल्यू 8 मिल चुकी है, 8 × 6 = 48, देखो कहीं 48 दिया है, वो आपका आंसर हो सकता है डी। सवाल देखिए, बड़ी प्रकृति नहीं है लेकिन कोई भी एग्जाम बचा नहीं है जहां पे इस तरह के सवाल ना आए हो। कुछ सवाल ऐसे बन जाते हैं और लड़का उसमें तत्काल में सोच नहीं पाता, गलत हो जाता है। दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है, इनमें से प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 5:9 हो जा रहा, बताओ 3:7 के अनुपात में। ऐसे आयु के सवाल, आयु चैप्टर में जाओगे तो ये सवाल मिल जाएगा, ए तथा बी के आयु का अनुपात 3:7 है, प्रत्येक 6 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का अनुपात इतना है तो दोनों की आयु बता दो। अब लो इसी में हम आयु शब्द जोड़ दे तो आयु का सवाल बन गया, लेकिन यह है कि इसमें संख्याओं पर आधारित सवाल में दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है, इसका मतलब 3x और 7x हमने संख्याएं ले लिया। अब करें प्रत्येक में 6 जोड़ दो, +6 + 6 जोड़ दिया, अब यह क्या बन गया? 5:9। क्या इसको हम हल कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तुरंत x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ यहाँ डाल दोगे दोनों की वैल्यू पता चलेगी। चलो 5×35x + 5×30 = 9×3 = 27x और +9×6=54। 27x इधर लाओ, 8x बचेगा, और 30 उधर ले जाओ, 24 बचेगा, x बराबर कितना आ गया? 3। अगर x के बराबर 3 आ गया, हमसे पूछा क्या ये संख्याएं हैं, तो बताओ अगर x की वैल्यू 3 आ गई तो ये कितना होगा? 3×3=9, और ये कितना होगा? 3×7=21, वो संख्याएं हो गई 9 और 21, कहीं दिख रहा? पहला विकल्प आपके सामने दिख रहा, 9 और 21। कैसा लग रहा सवाल, महसूस करिए, सवाल में कोई दम नहीं है, केवल आपको बस गंभीरतापूर्वक सोचने की जरूरत है। सवाल देखिए, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर? जरा विचार करो, तीसरी संख्या नहीं मालूम, कह रहे हैं दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, कहाँ है तीसरी संख्या नहीं मालूम, परसेंटेज का चैप्टर हुआ तो परसेंटेज में हम तीसरी संख्या को x मान ले रहे हैं। अब बताओ फिर पहली कौन हो गई और दूसरी कौन हो गई?
एक्स नहीं मानते, 100 मान ले रहे हैं। तीसरी संख्या मान लो 100 है। अब अगर तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या कौन बन गई, 12% अधिक है तो 112.5 है, और ये 25% अधिक है तो ये 125 है। फिर बताना है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, मतलब 112.5 125 का कितने प्रतिशत है, यही बताना है। काट दीजिए, अगर हम एक जीरो हटा दें दशमलव चला जाएगा, 25 25 125 25 100 के 100 और 25 25 125, 5 9 45, 9 10 में 90, कितने परसेंट हो गया, 90% हो गया। पहला विकल्प आपके सामने सही। तो आप देख सकते हैं कितने आसानी से इन सवालों को समझा जा सकता है। अगला प्रश्न, सेम एज दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक है, बताओ अगर हम तीसरी को x 100 मान लेंगे, तीसरी को हम 100 मान लेंगे, तो हमारी पहली और दूसरी संख्याएं कौन कौन हो सकती हैं, ये 130 हो सकता है, 140 हो सकता है। फिर पूछा गया पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, मतलब 130 140 का कितने प्रतिशत है। आप जल्दी से काट सकते हो, 0 काट दो, 2 7 14, 2 से काटो 50, 13 5 65, 650 को 7 से भाग दोगे, 7 9 63, 2 बचेगा 20, 7 2 14, 6 बटा 7, 92 सही, 6 बटा 7% कहीं दिख रहा, ये रहा आपका उत्तर। तो जब आप सवाल को लेते हैं और एकदम धुन के पक्के बन जाइए, पागलों के इधर लगाना है बस, जब आप लोगों को पहचानना बंद कर दीजिए, हाँ तब सफलता दिख रही है कि नहीं। जब तक बहुत कुछ दिख रहा तब तक सफलता ना दिख रही भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है, अब की बार कम वाले आ गए, बताओ अगर हम तीसरी को 100 मान ले रहे हैं तो अब की बार बताओ 100 है और पहली संख्या है ये दूसरी संख्या है, ये 30% कम हो 37%, बताओ 30% कम है तो कितना है, 70, और 37% कम है तो कितना है, 63। अब कह रहे हैं कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, जो कह रहा कितने प्रतिशत कम है पूछा, कितने प्रतिशत है नहीं, कितने प्रतिशत कम है, कम है तो घटा के चेक करो, इसको घटाओगे तो 7 कम लग रहा, 7 कम है किससे, 70 से गुणा 100, बात खत्म, 0 0 कैंसिल, 7 7 कैंसिल, 10% आंसर, कितना परसेंट कम भैया, 10% कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तीन संख्याओं का अनुपात 3 4 6 तथा इनका गुणनफल 1944 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तीन संख्याएं हैं 3 4 6, क्या हम इनको 3x 4x और 6x मान सकते हैं, और इनका गुणनफल दिया जा रहा है 1944, क्या इससे हमको x की वैल्यू मिल जाएगी, और जैसे x की वैल्यू मिल जाएगी तैसे हम इन संख्याओं में रख देंगे, हमारा उत्तर बन जाएगा। और गुणा करते हैं, 3 6 18 6 108, देखो हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब बराबर 1944 अपान 3 × 4 × 6, काटते हैं ये 12 12 से इकट्ठे काटता हूँ, 12 12 7 19 12 72 12 2 24, अब 6 से कट रहा है, 6 2 12 4 16 6 7 42, बताओ एक्स क्यूब बराबर 27, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3, अब अगर एक्स की वैल्यू 3 आ गई तो पहली संख्या कौन थी, 3 3 9, 3 4 12, 3 6 18, 9 12 18 तीनों संख्याएँ थी, यही पूछा गया था, सबसे बड़ी पूछा गया तो भाई 18 थी, देखो ये रही सबसे बड़ी वाली 18, हमने क्या किया जो जो कहा गया था वही वही हमने कर दिया, बहुत ज़बरदस्त तरीका है। जानते हो जब हम किसी अभी किसी हाल ही में एक लड़के ने पूछा कि आप x मान करके उसके बाद क्या करते, तो ये बता दीजिए, अच्छा एक बात बताओ, अपने हिंदू धर्म में एक पत्थर को लोगों ने भगवान समझा, और जब भगवान समझ लिया तो उसके ऊपर जो जो कर सकते हैं, अगर मानो हमको सही में भगवान मिल जाते तो हम उनको घी खिलाते, दूध पिलाते, जो करते, वो सब कुछ मैंने उसी पत्थर के साथ किया, क्योंकि अब हमने उसे मान लिया तो भगवान की तरफ पूरी इज्जत मुझे देना। जब हम यक्ष मान लिया किसी सवाल में, बकरियों की संख्या यक्ष है, तो अब जो जो कहानी हुई होगी बकरियों के साथ में, सब सब यक्ष के साथ करना पड़ेगा, अपने आप उत्तर बन जाएगा, कुछ भी करने की सोचने की जरूरत नहीं। जब आप मान लेते हो कि यह संख्या यही है, तो अब जो वो 7 संख्या के साथ करते वही आपको इसी साथ करना पड़ेगा, बस कुछ सोचिए मत ज़्यादा, बस खाली काम करिए, जितना करेंगे ज़बरदस्त होता चला जाएगा, मज़ा आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों ने 37 नंबर देख लिया था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, ये सवाल देखो, दो संख्याओं का अंतर 3 है तथा इनके वर्गों का अंतर 39, बताओ दो संख्याएं कौन कौन हो सकती हैं, x और y, दो संख्याएं x और y हो सकती हैं, इनका अंतर 3 बताया जा रहा है तथा इनके वर्गों का अंतर 39 है, मतलब अगर हम कहें कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 39 कहा जा रहा है, तो मेरे भाई क्या इसको खोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू जान रहे होंगे, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, और बराबर कहा जा रहा है 39, तो क्या हम x माइनस वाई की जगह पे 3 इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर मैंने यहाँ 3 लिख दिया और 3 उधर जाएगा तो भाग करेगा 39 में, तो क्या हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 13,
अगर x प्लस वाई बराबर 13 होता है और x माइनस वाई बराबर 3 होगा तो बताओ क्या इसे हम जोड़ दें तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, बताओ 2x बराबर 14 आ रहा तो x बराबर 7 आ गया, और अगर x बराबर 7 आएगा तो y बराबर क्या होना चाहिए, 7 में क्या मिला दे के 13 हो जाए भाई, 13 3 16 है, देखो 13 3 16 है, 2x बराबर 16 तो ये 8 आ गया, x बराबर 8 आ गया तो बताओ 8 में क्या मिला जाए 13 हो जाए तो y बराबर 5 आ जाएगा, 8 और 5 पूछा क्या है, इनमें से बड़ी संख्या क्या है तो बड़ी संख्या केवल पूछा गया था 8 आ गया। एक बार दोबारा देख लो, दो संख्याओं का अंतर 3 कहा गया था और उनके वर्गों का अंतर 39 कहा गया था, फिर मैंने इसको खोल दिया a प्लस बी ए माइनस बी में, a माइनस बी की जगह इसकी वैल्यू 3 रख दिया, 3 लेकर उधर गए तो 39 ने 3 से भाग दिया 13 आ गया, यानी x प्लस वाई की वैल्यू 13 आ गई और x माइनस वाई की वैल्यू 3 पहले दे रखी थी, इसको हमने जोड़ लिया वाई वाई कैंसिल हो गया, 2x बराबर 13 3 16 हो गया, x की वैल्यू 8 आ गई। अब बताओ x में क्या मिला दें कि 13 हो जाए तो 5 मिला दें यानी y की वैल्यू 5 हो गई, हमें केवल बड़ी संख्या पूछी गई थी दूसरी नहीं पूछी गई थी। आगे बढ़े, दो संख्याओं का योग 15 है, इनके वर्गों का योग 113 है। देखो अब की बार योग पूछा गया है, दो संख्याओं का योग क्या दिया है 15 और इनके वर्गों का योग, मैं इधर लिख लेता हूँ, इनके वर्गों का योग दिया हुआ है 113। अब प्रॉब्लम यह है मैं अलग क्यों लिखा हूँ, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का सूत्र है लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कोई सीधा सूत्र नहीं है तो हमें उस रास्ते जाना ही नहीं, हम क्या करेंगे इसी का होल स्क्वायर करेंगे। हमसे पूछा क्या है दोनों संख्याओं का गुणनफल बता दो, यानी हमको एक्स वाई बताना है तो हम क्या करेंगे इसको होल स्क्वायर बोथ द साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2एक्स वाई बन जाएगा और उधर क्या बन जाएगा 225। क्या अब हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे हम 113 इस्तेमाल कर पाएंगे और 113 लेकर उस साइड जाएंगे तो हमारे पास यहाँ बचेगा 2xy और वहाँ बचेगा 225 माइनस 113। ज़रा घटा के देखो, 5 में 3 घटाओगे 2, 12 में 11 घटाओगे 11, बताओ 2xy की वैल्यू अगर 112 आ गई तो बताओ xy की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 5 10 2 6 12 और xy यही पूछा गया था, दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा गया था और वह गुणनफल कितना रहा 56। तो बहुत सिंपल है, बस बस आपके अंदर आक्रामकता होनी चाहिए, बस डिफेंसिव नहीं खेलना है तो नहीं खेलना, खेलना है तो आक्रामकता नहीं तो मत खेलिए, इतना जान लीजिए। अगला क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का योग 25 है तथा अंतर 13 है, बताओ सिंपल सी बात, दो संख्याओं का योग 25 है तथा उनका अंतर 13 है। हम हिंदी पढ़ रहे हैं और गणित भाषा में लिख रहे हैं, यही खास होता बात होनी चाहिए, दो संख्याओं के योग 25 है तथा उनका अंतर 13, गुणनफल बता दो। अब गुणनफल क्या, सीधे जोड़ लो दोनों वैल्यू आ जाएगी, 2x की वैल्यू कितनी आ गई भैया 38, तो 1x की वैल्यू क्या आ गई 19। अब अगर 1x की वैल्यू 19 है तो 19 में क्या मिला दे के 25 हो जाए भाई, 6 मिला दो तो y बराबर 6 आ जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं में से क्या बोला, गुणनफल बताओ, 19 गुणा 6 कितना होता है मेरे भाई, 114 होता है, बी विकल्प सही, 19 6 114। तो अब देख लीजिए एक सवाल को करने में, हमें SSC में जब जाता हूँ तो लगभग 40 सेकंड का टाइम मिल जाता है, हमें हर सवाल को 25 से 30 सेकंड के बीच सेट करना होता है, जब 25 से 30 सेकंड का आपका अभ्यास रहेगा तो वहाँ पे आप 40 सेकंड जो मौका मिलेगा बहुत सफिशियंट मिलेगा, और नहीं तो आपको हरदम लगता रहेगा कि हमारा समय जा रहा, घबराहट बढ़ती जाएगी। दो संख्याओं के वर्गों का योग 33 41 है तथा इन संख्याओं के वर्गों का अंतर 891 है, तो इन संख्याओं की वैल्यू बताओ क्या है। दो संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दे रखा है 33 41 और फिर उन वर्गों का अंतर भी दे रखा है, क्या दे रखा है 891। अच्छा बताओ अगर इसको हम ऐसे ही हल कर लें तो क्या हो जाएगा, ऐसे हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1 1 2 9 4 13 1 8 3 11 1 12 1 3 1 4, तो बताओ x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 2 4 2 1 2 2 1 2 2 6 12। अब अगर x स्क्वायर की वैल्यू हम पहले समीकरण में डाल दें तो बताओ y स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी नहीं आ जाएगी, बताओ y स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 33 41 में से 21 16 घटा दो, यहीं कहीं घटा लेता हूँ, 33 41 में से अगर हम 21 16 घटा दें 21 16 तो हमारे पास 11 में से 6 घटाएंगे 5, 3 में से 1 घटाएंगे 2 और उसके बाद में हो जाएगा 3 में से 1 घटाएंगे 2 और यहाँ पर जाएगा 1, 1225। समझ पाए कि नहीं, देखो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर की जब वैल्यू आ गई तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दिया तो इस वैल्यू को उठा के जब उधर ले गए तो वाई स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट आ गई। अब हमको बताओ क्या 2116 का वर्गमूल आप जानते हो, वर्गमूल निकाल, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, वर्गमूल निकालने का तरीका देखो, 4 4 16 और 46, इसका वर्गमूल कितना आ गया 46, इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, वाई की वैल्यू कितना आ जाएगा 3 3 9 35, एक संख्या 46 है एक संख्या 35, पूछा क्या है
ये संख्याएं बता दो, ये रही संख्या 46 और 35। अब आप पूछोगे कैसे जल्दी से बैगमूल निकाल दिया। अब बैगमूल चैप्टर का इंतजार करो, हाँ बैगमूल चैप्टर का इंतजार करो, तो मैं बताऊंगा संख्या देखते ही बैगमूल कैसे निकालते हैं। जो आप जो है भाग विधि लगाओगे, उसके बाद में आप कहीं गुणनखंड विधि लगाओगे, भाई दोनों में टाइम लगता, समय ही तो नहीं हमारे पास, समय का क्या करें। तो समय नहीं है तो क्या कराया जाए, उसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं के योग 34 तथा इनके वर्गों का योग 650। दो संख्याओं का योग मतलब x प्लस वाई बराबर 34 दे रखा है और इनके वर्गों का योग 650 है, मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 650 दिया हुआ है। कह रहा इनमें से छोटी संख्या बता दो, आओ बता दो। तो पहले इसमें से क्या करोगे, होल स्क्वायर कर दो, एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और बराबर 4×16 एक, 3×12 24, 25 दो, 3×9 2 11, 1156। तो अब क्या हुआ, इसमें से अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दें 650, तो हमारे पास बन जाएगा 2xy की वैल्यू हो जाएगी 1156 माइनस 650। तो यहाँ पे वैल्यू आ रही 6 में से 0 गया 6, 5 में 7 गया 0, 11 में से 6 गया 5, 506। 2xy की वैल्यू आ गई 506। अब यही रोक दो, हमको दरअसल दोनों संख्याएं बतानी है, इसका मतलब हमको x माइनस वाई की भी जरूरत पड़ेगी। x माइनस वाई कहाँ मिलेगा, x वाई x प्लस वाई मेरे पास है। तो आपको एक फार्मूला याद होगा, बचपन में पढ़े थे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू होती है x प्लस वाई होल स्क्वायर और माइनस 4xy। क्या आपको याद आ रहा, ध्यान से देखिएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर हमारे सामने है 1156 और माइनस 4xy, 2xy की वैल्यू 506 है, तो 4xy की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका दोगुना करो, 2×5 10, 2×6 12, 1012 घटाओ 6 में से 2 घटाओगे 4 आएगा, 5 में से 1 घटाओगे 4 आएगा, 11 में से घटाओ 1, 144 आ गया। x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 144 आ गया, तो क्या x माइनस वाई बराबर 12 होगा। अब जरा बताइए हमको, आपको पता है, आपको पता है x प्लस वाई बराबर 34 आता है और x माइनस वाई बराबर आपको पता हो गया कि 12 आता है, क्या इसे हम हल कर सकते हैं, बिल्कुल बड़े आराम से। अगर हम जोड़ते हैं तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 34×12 46, तो बताओ x की वैल्यू क्या आ गई, 23। अब अगर 23 में क्या मिला दे कि 34 हो जाए भाई, तो y की वैल्यू 11 आ जाएगी क्या, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। पूछा क्या है, इनमें छोटी संख्या कौन है, तो 11 होगी और क्या, देखो 23 में 11 मिला देंगे तो 34 हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, आप अच्छा महसूस कर रहे होंगे कई लोग इसमें से कि बड़ा व्यापक अलजेब्रा का इस्तेमाल हो रहा, अरे नहीं यार, कक्षा 8 के पहले वाली जो आइडेंटिटी वही तो करवा रहा हूँ मैं, कुछ बड़ा नहीं कर रहा, मैं चाहता हूँ कि इन पर आपकी पकड़ इतनी बेहतर हो जाए कि बस देखो और आ जाए बस। और इसलिए इसको खूब लिख करके आदत बना लो कि हमको कहीं कुछ लेना तुरंत एक्सप्रेस वाई होल स्क्वायर, जहाँ जहाँ जरूरत पड़े, उससे आपकी पकड़ बन जाएगी। बताऊँ, लोग कहते हैं कि हम बहुत पढ़ते हैं भूल जाता, हमें तकलीफ है सुन करके, आप दो का पहाड़ा भूल दीजिए, हम चाहते हैं कि आप भूल के दिखा दीजिए, मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ, दो का पहाड़ा बस भूल जाइए, आप नहीं भूल पा रहे हो, क्यों नहीं भूल पा रहे हो, मैं चाहता हूँ कि भूल जाओ, तब क्या नहीं भूल रहे, इसलिए नहीं भूल रहे कि आपने बहुत बार पढ़ा, जब भी किसी ने टेबल सुनी बचपन में तब भी आपने दो से शुरू किया था और इसी चक्कर में दो बहुत बार पढ़ दिया, अब भूल के दिखा दो बस। ये कहने वाली बातें हैं कि हमें बहुत भूल जाता, आप जिन चीज़ों को महत्व कम देते हैं वह चीज़ भूल जाती, जिन चीज़ों को महत्व देते हैं वो आज भी बहुत याद रहती, सही ना। तो अपने खुद से झूठ बोलना बंद करें, थोड़ा मेहनत करें, मजा आएगा। ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं जिनका अंतर 5 है तथा बड़ी संख्या को छोटी से भाग देने भागफल भी 5, वाह करें, अंतर भी 5 है, मतलब एक्स माइनस वाई बराबर भी 5 है और अगर कहीं एक्स बटा वाई किया जाए तब भी 5 है। अगर दोनों करो ना, देखो अंतर 5 है और बड़ी संख्या को छोटी भाग दो तब भी भागफल भी 5, तो अगर x बटा वाई बराबर 5 आ गया तो जरा बताओ भाई मेरे x बराबर क्या आ गया, 5y आ गया, ये y उधर चला जाएगा। अब हम x की जगह 5y इस्तेमाल कर लेंगे, x की जगह 5y लिखेंगे तो देखो क्या आ गया, 5y माइनस वाई बराबर 5, तो बताओ 4y बराबर 5, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 5/4, y की वैल्यू आ गई, हमको बताना क्या है, तो छोटी तो भाग पर 5 हो, मुझे कहना जिनका अंतर, ऐसी दो संख्या, अच्छा दोनों संख्याएं बतानी, एक तो 5/4 मिल गई। अब अगर हम y की जगह पे इसकी वैल्यू रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, बताओ x की वैल्यू लिखा हुआ 5y, यानी 5×5/4, तो ये हो जाएगा 25/4, यानी एक संख्या ये बन गई, एक संख्या ये बन गई, 5/4 25/4, ये रहा चौथा विकल्प। देखिए आपका आंसर आपके पास, मजा लीजिए कितना आसानी से इन सवालों को हल किया जा रहा है। देखिए तीन संख्याओं में पहली और दूसरी का अनुपात यह है, दूसरी तीसरी का अनुपात यह है, यदि तीसरी संख्या, यदि पहली और तीसरी का गुणनफल 24 है तो दूसरी संख्या बता दो,
देखो भाई क्या करेंगे, ए बी बी सी से ए बी सी का अनुपात निकाल लेंगे। मान लो कि पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, तीसरी संख्या सी है, मान लो। तो ए और बी का अनुपात 8:9 बताया जा रहा है और बी अनुपात सी का अनुपात 3:4 बताया जा रहा है। क्या इन दोनों से हम लोग ए बी सी का अनुपात निकाल पाएंगे? निश्चित रूप से निकाल पाएंगे। 3×8=24, 3×9=27, 9×4=36। इसे छोटा छोटा कर लीजिए, 3×8=24, 3×9=27, 3×3 काटोगे तो 12 आ जाएगा। बोलो भाई ये रेशियो आ गया, इनके साथ हम एक्स ले सकते हैं, ले लिया। अब सवाल क्या कह रहा है, कह रहा पहली और तीसरी का गुणनफल 2400 है। पहली और तीसरी देखो जरा, 8x/12x हमको पता है, 8x/12x की वैल्यू बराबर कह रहे हैं 2400 है, तो बताओ x² बराबर क्या हुआ? 2400/8×12 कर सकते हैं, जरा काटो भाई, 12×2=24 और फिर 8 से भी काट दो भाई, 8×2=16, 8×5=40। x² = 25 हुआ, तो क्या हम x = 5 कह सकते हैं? और अगर x = 5 कह सकते हैं तो पूछा दूसरी संख्या कितनी है? दूसरी संख्या मेरे भाई यही है, बताओ। देखो पहली थी, ये दूसरी थी, ये तीसरी थी। अगर x की वैल्यू 5 आ गई है तो दूसरी संख्या 9×5=45 कितनी आ जाएगा भैया? दूसरी संख्या हो जाएगी 9×5=45। तो दूसरी संख्या कहाँ हमारे पास? ये रहा पहला विकल्प हमारे पास उत्तर आ रहा। सवालों को देखिए और टूट पड़िए उसके ऊपर, है ना, आक्रमण की तरह। तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है तथा तीसरी संख्या की आधी है, तीनों संख्याओं का औसत 56 है, पहली तथा तीसरी संख्याओं में अंतर बता दो। जरा सोचो इस सवाल को क्या करोगे। तीन संख्याएं, चलो इसको मैंने पहली मान लिया, इसको दूसरी मान लिया, इसको तीसरी मान लिया, कह रहे हैं तीन संख्याएं हैं, तो जो पहली संख्या है दूसरी की दुगुनी है, दूसरी की दुगुनी है ये। अगर दूसरी को हम x मान लें तो क्या हम इसको 2x कह सकते हैं? अब ये पहली संख्या तीसरी की आधी है, बताओ आधी है तो 2x है, बताओ आधी है तो 2x है, तो पूरी है तो 4x हो जाएगी। तीनों संख्याएं आपके सामने हैं, बताओ इन तीनों संख्याओं का औसत दिया 56, इन्हें जोड़ दीजिए, बटा 3 कर दीजिए और बराबर 56 लिख दीजिए, खत्म। तो 4×2=7x ना, 7x/3 बराबर हो गया 56, 7×8=56, x की वैल्यू हो जाएगी 3×8=24। अगर x की वैल्यू 24 आ चुकी है तो मुझे कहा गया पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर बता दो। भाई मेरे पहली कौन है? 24 अगर ये है तो पहली संख्या है। अच्छा अंतर पूछा गया, तो 4x और 2x का अंतर क्या होता है? 2x, इन दोनों का अंतर पूछा गया, तो 4x और 2x का अंतर कितना है? 2x, 1x की वैल्यू 24 है तो बताओ 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 24×2=48, कहाँ गया? डी विकल्प, देखो ध्यान से, मस्ती है सवालों के साथ, एंजॉय करते हुए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, तीन संख्याओं का योग 102 है, यदि प्रथम व द्वितीय संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा द्वितीय तृतीय संख्याओं का अनुपात 5:3 है तो द्वितीय संख्या कौन सी है? सेम क्वेश्चन अभी एक सवाल पहले जो आया था, बताओ। ए बी सी तीनों मान ले रहा हूँ, ए बी सी मान ले रहा हूँ, प्रथम और द्वितीय का अनुपात 2:3 बताया जा रहा है और द्वितीय तृतीय का अनुपात 5:3 बताया जा रहा है, क्या हम इससे अनुपात निकाल ले जाएंगे? 5×2=10, 5×3=15 और 3×3=9, ये मेरे पास अनुपात आ गया। फिर पूछा गया, कह रहे द्वितीय संख्या 102 है, कह रहे इनका योग 102 है, मेरे भाई इनके साथ x लगाओ और x लगाने के बाद इनका योग करो और बराबर लिख दो 102। तो बताओ 15×10=25, 9×34x, बताओ 34x/102 होता है तो 1x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3×4=12, 3×4=9=10, 3 आ गया। और अगर x की वैल्यू 3 आ गई तो बताओ क्या पूछा गया? दूसरी संख्या कौन सी है? ये रही दूसरी संख्या, 1x/3 है तो बताओ 15x/45 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आपका 45 उत्तर आना चाहिए, कहाँ गया भाई? इनमें से कोई नहीं है, ध्यान से देखो, 1x/3 है, 15x/ बताना था, 15x/45 होता है, 45 विकल्प नहीं है, इनमें से कोई नहीं, विकल्प चला गया, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीन संख्याओं में पहली दो संख्याओं का योग 45 है, दूसरी तथा तीसरी संख्या का योग 55 है, तीसरी तथा पहली संख्या के तिगुने का योग 90 है, तीसरी संख्या बता दो। तीन तीन समीकरण आ गए, थोड़ा सा सहूलियत से, तीन समीकरण जब आ जाएं तो बहुत हड़बड़ी में नहीं रहना, ध्यान से देख लीजिए। दो संख्याओं का योग 45 है, यानी x+y = 45 दिया गया है, फिर कह रहा है y+z = भी दिया गया, कितना दिया गया? 55 है। अब फिर देखो अगली बात क्या करा, कह रहा पहली संख्या तथा नहीं तीसरी संख्या तथा पहली के तिगुने, पहली का तिगुना, सबका तिगुना नहीं, पहली का तिगुना और प्लस तीसरी संख्या का योग दे रखा है, कितना भाई? 90 है। इतना जानकारी देने के बाद पूछ रहा है तीसरी बता दो, अर्थात जेड की वैल्यू पूछा जा रहा है, क्या करें, क्या कर सकते हैं? हमको जेड की वैल्यू चाहिए। देखो अगर हम चाहें तो जेड की वैल्यू यहीं निकाल लें, कैसे? जेड बराबर क्या हो जाएगा बताओ?
दूसरा कलर लेता हूँ, यह तीसरे समीकरण में से जेड का मान निकालो, क्या हम इसको 90-3x कह सकते हैं? और अगर जेड की वैल्यू यहाँ से आ गई और जेड की वैल्यू इसी में डाल दें तो क्या हो जाएगा? जेड की वैल्यू डाल देंगे तो यहाँ एक्स वाई के संदर्भ में एक इक्वेशन मिल जाएगा। दूसरे समीकरण में जेड की वैल्यू डालने जा रहा हूँ, वाई प्लस जेड की जगह हम क्या लिख देंगे, जेड की जगह हम लिख देंगे 90-3x, 90-3x और बराबर हो जाएगा 55। तो अब देखो क्या बना, -3x और प्लस वाई बराबर, ये 90 उधर जाएगा तो माइनस बनेगा, तो 55 में से 90 घटाओ तो माइनस में आ जाएगा, देखो ये 5 और 8 में 5 गया 3, -35। अब ये जो पहला समीकरण हमारे पास है इसके माध्यम से हम इसको अगर इसके नीचे रख दें तो अभी हमें तुरंत x और y की वैल्यू मिलती चली जाएगी। देखो अगर इसके नीचे हम ऐसे लिख दें x प्लस वाई, देखो x की वैल्यू मिल जाए तुम्हारा काम चल जाएगा। देखो x प्लस वाई बराबर दिया गया है 45। अगर हम इन संख्याओं को खाली घटा दें, माइनस माइनस कर दें, देखो ऐसे, तो वाई तो सही हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -4x और यहाँ कितना हो जाएगा 5, 5, 10, 4, 3, 7, 80, -80। जरा मेरे भाई बताओ, 4x बराबर 80 होता तो x बराबर 20 हो जाएगा, और अगर x बराबर 20 हो गया तो जरा इसमें x की वैल्यू रख कर देखो, x बराबर 20 है तो 20 यहाँ 60 हो जाएगा, और 90 में से 60 घटाओगे तो क्या बन जाएगा 30। तो z का क्या मान आ चुका है भैया, 30 आ गया है, सी विकल्प सही है। ध्यान से देखिए हमने क्या किया, तीसरे में से z की वैल्यू निकाला, z की वैल्यू उठा कर दूसरे समीकरण में डाल दिया और उसके बाद हल कर दिया, सीधे हमारे पास उत्तर आ चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग 184 है, यदि संख्या का एक तिहाई दूसरे संख्या सातवें भाग से 8 से अधिक हो तो छोटी संख्या बताओ। दो संख्याओं का योग, कह रहे हैं दो संख्याओं का योग 184 है, यानी x प्लस वाई बराबर 184 है। फिर कह रहे हैं पहली संख्या, यदि एक संख्या का एक तिहाई यानी x बटा 3 दूसरी संख्या के सातवें भाग से यानी वाई के सातवें भाग से 8 अधिक है, यानी घटाओ तो 8 आना चाहिए, तो यहाँ से फिर एक समीकरण मिल जाएगा, 7, 3, 21, 21 का लघुत्तम निकालो, 21 से सबको गुणा कर दो तो 3 से 21, 7x हो जाएगा, माइनस 7, 21, 3y हो जाएगा और बराबर 21, 8, 168 हो जाएगा। अब हमको बताना क्या है, छोटी संख्या बता दो। अब छोटी कौन है बड़ी कौन है नहीं पता, चलो एक तो कोई निकाले और देखा जाए, तो इसमें हम क्या करेंगे 3 का गुणा कर देंगे भाई, तो वाई वाई बराबर हो जाएगा, देखो 7x 3 से गुणा कर रहा हूँ तो 3x प्लस 3y बराबर, ये 3 से गुणा करो, 3 चौके 12, 1, 8, 3, 54, 1, 55, ठीक है, 3 चौके 12, 8, 3, 54, 1, 55, ठीक है। अब जरा जोड़ दो इसको, जब आप इसको जोड़ते हैं तो वाई कैंसिल हो जाता है, ये बनता है 10x और यहाँ क्या बनता है 8, 2, 10, 1, 6, 5, 11, 1, 12, 1, 5, 1, 6, 7, तो बताओ x की वैल्यू क्या आ गई, x वैल्यू आ गई 72। कहीं 72 दिख रहा, जी हाँ मिल रहा है, तुरंत का तुरंत आपका उत्तर बन के तैयार है। अब अगर हम x की वैल्यू किसी समीकरण में डाल दें तो y की वैल्यू आ जाएगी, और y की वैल्यू आएगी तो बड़ी होगी छोटी होगी क्या मतलब, हमारा उत्तर बन गया। इतने आसानी से उत्तर निकाला जा सकता है। हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। दो संख्याओं का अंतर 1365 है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 तथा शेषफल 15 प्राप्त होता है, इन दोनों में छोटी संख्या क्या है? मान लो छोटी संख्या x, छोटी संख्या हमसे पूछा गया, मान लो छोटी संख्या x है तो बड़ी संख्या क्या बन जाएगी, x प्लस 1365। फिर कहा जा रहा है छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दिया जाएगा तो भागफल 6 और शेषफल 15 बचेगा। बताओ अगर ऐसी संख्या आपके सामने है तो क्या आपको पता है भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल शेष, तो हम लिख सकते हैं 6x प्लस 15 बराबर एक्स प्लस 1365। अगर हम x को इधर लाएं तो 5x और 15 को उधर ले जाएं तो क्या बन जाएगा 1350। अगर 5x बराबर 1350 होगा तो 1x वैल्यू क्या होगी 5, 2, 10, 5, 7, 35, 270। छोटी से छोटी संख्या पूछा गया था भाई मेरे, 270 आ गया। बहुत ध्यान से देखिए, जब इसमें कहा गया दो संख्याओं का अंतर 1365 है तो मैंने एक को x प्लस 1365 सोचा, दरअसल मैं निगेटिव कम सोचता हूँ, एक संख्या x प्लस 1365, बेटा दो घटा के देख लो कि 1365 अंतर आया कि नहीं आया। तो बस मैं यही चाहता हूँ, जैसे मान लो दो व्यक्तियों का अंतर 2 रुपया है तो एक को हम x मानते हैं, एक को x प्लस 2 मानते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, तब भी तो आ जाता है, अंतर तो 2 ही है। कुछ लोग उसको x माइनस 2 मानते हैं, पर निगेटिव लिखने की आदत कम है, बाकी और कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह रहा दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात होता था, इनका लघुत्तम 300 है, इनमें से सबसे छोटी संख्या बताओ। दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है, इसका मतलब दोनों संख्याएं 3x और 5x हो सकती हैं, इनका लघुत्तम आपके हिसाब से क्या होता है, 5 या 15x, आपका लघुत्तम 15x हो सकता है, इनका लघुत्तम 300 है। बताओ अगर ये ऐसा है तो 1x की वैल्यू क्या होगी, 15 × 20 आ गया। अगर 1x की वैल्यू 20 आ गई तो इनमें छोटी संख्या बताना है, छोटी संख्या 3x है मेरे भाई, 3x बराबर क्या हो जाएगा 20 या 60, आपका उत्तर आ गया 60। ये रहा
धारणा है बस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह कौन सी संख्या है जिसमें 27.5% कमी कर देने पर 87 प्राप्त हो जाता है? बताओ भाई वह कौन सी संख्या, नहीं मालूम भाई एक्स होगी, और 27.5 कम कर देना भाई मेरे 100 था उसमें से 27.5 आप कम कर दोगे क्या बचेगा बताओ, 9 में से 7 गया 2 और 9 में से 2 गया 7, 72.5 बचेगा। यानी किसी संख्या का 72.5% की वैल्यू बताया जा रहा 87 है, तो वह संख्या कौन सी है? x बराबर 87 × 100 बटा 72.5। 10 में बढ़ा दो, 10 चला जाएगा 25 × 100 और 25 × 50 25 × 9 225 29 × 3 87 होता भैया 4 × 3 120, आपका उत्तर बन गया 120। जरा ध्यान से देखो, जब संख्याएं आती हैं तो मैंने कहा था ना अटैकिंग मोड में रहना है, जल्दी से कोशिश करना है। जब 29 × 3 87 होता है ठीक, ऐसा नहीं कि 29 का पहाड़ा मुझे आता है, बस दिखता है और आ जाता है। बस देखो किसी संख्या में 37.5% वृद्धि करने पर 33 प्राप्त हो जाता है, बताओ वृद्धि कर रहे हैं कोई संख्या रहे हुई x, उसमें 33 कितना वृद्धि करा 37.5, तो कितना हो जाएगा 137.5% हो जाएगा मेरे भाई, और ये कह रहे हैं 33 हो गया, तो बताओ x की वैल्यू क्या है? 33 × 100 / 137.5 होगा कि नहीं होगा? अगर हम 10 बढ़ा दें 10 चला जाएगा 25 × 100, नहीं 25 × 100 नहीं जाना चाहिए, 25 × 125 जाना चाहिए, 25 × 125 12, 25 × 125 और 25 × 100, अब देखो किससे काटें 55 11 55 11 3 33 और 5 5 8 40, 8 3 कितना आ गया 24, और कौन सी संख्या आ गई 24, ये रहा। तो सवाल कहाँ बड़े हैं यार, बड़े बड़े नहीं हैं, बस अर्थे देखो करा तीन क्रमागत गुणजों का योग 90, तीन के तीन क्रमागत गुणजों का योग 90 है, इनमें बड़ी संख्या बता दो, तो ये तीनों संख्याएं यही होंगी। हमने बता रखा है कि अगर संख्याएं समांतर श्रेणी में है तो उनका औसत ठीक बीच वाली संख्या होती है, तो बताओ तीन संख्याओं को अगर 90 है तो इनका औसत कितना होना चाहिए 30, और अगर औसत 30 होना चाहिए तो बीचों बीच वाली संख्या 30 हो जाएगी, अगर 30 हो जाएगी तो ये फिर 27 हो जाएगा और ये 33 हो जाएगी। हमसे बड़ी संख्या पूछा गया, हमारा बड़ी संख्या कितना है 33। ओके थैंक यू। मान लो अगर रफ्तार ज़्यादा होगी, मेरे ख्याल मैसेज जरूर करिएगा, हाँ लोगों तक पहुँचाइए, थोड़ा एनर्जी के रूप में पढ़ना शुरू करिए, बहुत मज़ा आएगा। ये हल्का फुल्का करने से कुछ नहीं होता यार, है कि नहीं? एक निश्चित ऊंचाई, अगर आपने विज्ञान पढ़ा है ध्यान रखिएगा, अगर आपने विज्ञान पढ़ा है तो आपको पलायन वेग के बारे में जरूर पढ़ा होगा कि जब कभी किसी वस्तु का स्पीड 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड से अधिक होगी तभी वह धरती के कक्षा से बाहर जा पाएगी। 11.2 से थोड़ा सा कम हुआ ना, केवल 11 किलोमीटर पर सेकंड हुआ, नहीं जा पाएगी बस। तो आप 11 कर चुके हो मेरे भाई, 11 किलोमीटर प्रति सेकंड कर चुके हो, खाली 0.2 और बढ़ाना है बस, अब एक झटके में जाओगे आराम से। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन लिखा है कि 4² / 9² के अंततः हार में कितना जोड़ दिया जाए कि 4/9 प्राप्त हो जाए? 4² / 9² के अंश हर में क्या जोड़ दे भाई, यक्ष जोड़ दो, और क्या बताएं हमारे पास और क्या है, और क्या हो जाएगा उसके बाद 4/9 हो जाएगा। काटो जो कहा वही करना, उत्तर अपने आप आएगा, उत्तर के टेंशन ना लो, कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 416 ये बना 16 + x / 9 = 81, 81 + x = 4 हो रहा 4/9, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो 4 × 4 = 4 + 8 = 32 + 4x = 16 × 9 = 144 + 9x, अगर हम इस 4x को उधर लेके जाएं तो 5x बचेगा, 144 इधर लाए तो घटाना पड़ेगा, 4 में से 4 गया 0 और 12 में से 4 गया 8 और 2 में से 1 गया 1, 180। तो बताओ x की वैल्यू क्या आ गई, 5 × 15 = 15 × 3 = 5 × 30 x की वैल्यू 36 आ गई। तो यही तो चाहिए था, कह रहे क्या जोड़ दें, 36 जोड़ दो बस बनेगा, जो चाहिए वही मिल जाएगा, कुछ और मिल ही नहीं सकता। दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 है और तथा भागफल 35/24, इनमें से बड़ी भिन्न बता दो। दो भिन्नों का गुणनफल भाई x / y बराबर कह रहे हैं 14/15 है और इनका भागफल कह रहे हैं ना, इनका भागफल 35/24, मतलब x / y बराबर कितना है 35/24 है, 35/24 बताओ। तो क्या हम एक वैल्यू रख लें, दोनों भिन्न बताना है तो बताओ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, बताओ ये हो जाएगी 35y / 24 हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35y / 24, अभी हाँ मैं रख दे रहा हूँ यस, यहाँ पे मैं लिखूँगा 35y / 24 और / y बराबर हो जाएगा 14/5। तो बताओ जरा y² बराबर क्या है, हम लिख सकते हैं 14/5 कि 15 है यार, 15 है
अभी तो गलती हो जाता है ना, 14 बटे 15 और गुणा ये 35 बटा 24 उधर जाएगा तो हो जाएगा 24 बटा 35। ज़रा काट दो भाई, 7 दूने 14, 7 पचे 35, 3 पचे 15, 3 आठे 24, 16 बटा 25 हो गया। क्या बताओ, वाई स्क्वायर बराबर 16 बटा 25 है तो वाई की वैल्यू हम लिख सकते हैं 4 बटा, अरे 25 है यार, अब देखो गलतियाँ होना शुरू हुई, गलत हो रहा। 16 बटा 25 का मतलब 4 बटा 5 होता है, एक संख्या मिल गई वाई। अगर हम वाई की वैल्यू यही रख दें तो क्या एक्स की वैल्यू निकल पाएगी? जी हाँ, देखो एक्स गुणा 4 बटा 5 बराबर 14 बटा 15, तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 14 बटा 15 गुणा 5 बटा 4। काटो, 5 तिया 15 आया, 2 दूना 4, 2 सते 14, 7 बटा 6 कितना आ गया भैया? 7 बटा 6। तो एक गिनती आ गई 7 बटा 6, एक गिनती आ गई 4 बटा 5। कहीं दिख रहा क्या पूछा गया? बड़ी भिन्न क्या है? 7 बटा 6 है और क्या, बड़ी भिन्न क्या है? 7 बटा 6। जो जो कहता जाए वही वही करते जाइए, अपने तरफ से कुछ नहीं करना। ये मत सोचो आप कुछ करोगे, अपने मन से सवाल खुद अपने आप को लगाता है, आपको नहीं लगाना। दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग इतना है तथा इनके व्युत्क्रमों का अंतर इतना है। व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम कौन होता है? जैसे मान लो दो संख्या हम x और y ले लें तो इनका व्युत्क्रम क्या होता है? 1 बटा x प्लस 1 बटा y, और ये दे रखा है 46 बटा 21, ठीक है। अब व्युत्क्रमों का अंतर भी दे रखा है, यानी 1 बटा x माइनस 1 बटा y, ये दे रखा है कितना गया? 10 बटा 21। भाई मेरे, इसको तो हल किया जा सकता है। पूछा गया क्या कौन कौन संख्याएं, तो पहले हम जोड़ ही दें। अगर हम जोड़ देते हैं तो गया ये बन गया 2 बटा x, और ये कितना बन गया भाई? जोड़ना है तो 46 और 10 56, 56 बटा 21। अगर 56 बटा 21 और 2 से हम इसको काट सकते हैं 28, और 7 से और काट सकते हैं 7 28 7 या 21, तो 1 बटा x बराबर इतना वैल्यू, तो x बराबर हो जाएगा 3 बटा 4। अगर x बराबर 3 बटा 4 है तो हम x की वैल्यू यहाँ रख देंगे और उधर ले जाकर माइनस कर देंगे, तो हमें y की वैल्यू आ जाएगी। देखो x की वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो हम x की वैल्यू वहाँ रख देंगे, कहीं भी रख दें, पहले समीकरण में रख दें, दूसरे समीकरण में रख दें, x की वैल्यू हमारे पास आई है 3 बटा 4, तो मैं रख रहा हूँ। देखो 3 बटा 4 और प्लस 1 बटा वाई बराबर 46 बटा 21, तो हम 1 बटा वाई बराबर क्या कह सकते हैं? 46 बटा 21 माइनस 3 बटा 4 उधर आएगा। कुछ गड़बड़ हो रहा है ना, गड़बड़ ये हो रहा है कि 3 बटा 4 है, 21 4 का लघुत्तम उतना हो जाएगा। देखो कुछ गड़बड़ी हो गई, देख लें एक बार, फिर से चेक कर लेता हूँ। 46 बटा 21 सही है, इन संख्याओं का अंतर 10 बटा 21 वो भी सही है, फिर हमने इसको जोड़ दिया 2 बटा x, ये कट गया 46 और 10 56, 56 बटा 21 आ गया, ठीक है। तो ये कितना है? 2 बटा x, ठीक है, और 2 से मैंने 56 को काट दिया तो 28 आ गया, वो भी सही है, फिर 428 7 या 21 वो भी सही है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 बटा 4 सही तो है यार, x वैल्यू अगर 3 बटा 4 है तो वहाँ जाना है ना। अच्छा सॉरी, ये गलती मिल गई, ये रहा, यहीं पर मिलेगा गलती, ये गलती ये है कि हया वैल्यू x की नहीं है, 1 बटा x की वैल्यू है यार, 1 बटा x की वैल्यू है। देखो तो ये बन गया जो 3 बटा 4 है, ये 4 बटा 3 बन जाएगा ना, 1 बटा x की वैल्यू तो 4 बटा 3 ही होता है। देखो 4 बटा 3 और प्लस 1 बटा वाई बराबर 46 बटा 21, तो बताओ 1 बटा वाई बराबर क्या हो जाएगा? 46 बटा 21 माइनस, अब ये 4 बटा 3 उधर जाके माइनस होगा, तो 3 सते 21, 7 से गुणा कर लो, 7 चौक 28 बटा 21, यहाँ हम घटा लेते 28 बटा 21, बताओ भाई कितना है? 16 में से 8 घटाए 8 और 3 में से 2 घटाएंगे 18 बटा 21, इसको और छोटा करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 छके 18, 3 सते 21, ये है 1 बटा वाई की वैल्यू, यानी वाई बराबर हो जाएगा 7 बटा 6, यानी एक वैल्यू है 7 बटा 6, एक वैल्यू है 3 बटा 4, कहीं दिख रहा? 3 बटा 4 और 7 बटा 6 आपके सामने यहाँ दिख रहा। कभी कभी भिन्नों के सवाल होते हैं, मज़ेदार होते हैं, टेक्निकल होते हैं और गलतियां करवाते हैं, इसलिए थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। दो संख्याओं के योगफल तथा गुणनफल दे रखा है, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होता है? भाई व्युत्क्रमों का योग क्या होता है? अभी अभी मैंने देख लिया, मान लो दो संख्याएं एक्स और वाई हों तो व्युत्क्रमों का योग होता है 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा वाई, इसको जब आप जोड़ते हैं तो ये बनता है एक्स प्लस वाई बटा एक्स वाई, यही तो बनता है। और ये कह रहे हैं एक्स प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है 11 और एक्स वाई की वैल्यू दी है 18, और ये आपका आंसर आ चुका है। एक छोटा सवाल था, कह रहे हैं उन संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल दे रखा है तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल बताओ दो, व्युत्क्रमों का योगफल बताओ दोगे तो x प्लस वाई बटा एक्स वाई आएगा, और आपका उत्तर बन चुका है। अगला सवाल देखिए, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल इतना इतना उनके व्युत्क्रम, सेम एज क्वेश्चन है, 1 बटा x प्लस 1 बटा y बराबर बनेगा x प्लस y बटा एक्स वाई, और जब हम x प्लस y की वैल्यू रखेंगे 12 और एक्स वाई की वैल्यू रखेंगे 35, 12 बटे 35 हमारा उत्तर आएगा और सी विकल्प सही है। थैंक यू। अगला क्वेश्चन देखो क्या है,
अगला क्वेश्चन है, एक भिन्न के अंश में 20 मिनट तथा हार में 25 मिनट वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न 3/5 है, मूल भिन्न बताओ। कोई भिन्न ले लो भाई मेरे, एक्स बटा वाई ले लिया। अब करें अंश में 20 मिनट वृद्धि कर दो तो गुणा 120/100, और हर में 25 मिनट वृद्धि कर दो यानी 125/100, और जब इसको कर दोगे तो उत्तर आ रहा 3/5। अगर आप 3/5 करते हो 00 कैंसिल होगा, तो आप चलो x बटा वाई बराबर क्या करोगे, ये हो जाएगा 3/5 गुणा क्या, ये 120/125 पलट के जाएगा तो 125/120 हो जाएगा। अब जरा काटो इसको भैया, 5 काटोगे तो 25 आ जाएगा, और इसको 3 से काट दो तो 3×4=12 आ जाएगा, 5 से फिर काट दो 5×5=25, 5×8=40, आपका उत्तर 5/8 आ जाएगा। कितने आसानी से कट रहा है ये देख लो आप, है ना। जब सवाल सामने होता है मन खूब करता है ना काट दे उठा करके। अब देखो ये सवाल देखो, एक भिन्न के अंश में 20 मिनट वृद्धि, हर में 5 मिनट कमी करना, नहीं भिन्न इतना सेम एज क्वेश्चन है। कोई भिन्न हमने x बटा वाई ले लिया है, कह रहे अंश में 20 मिनट वृद्धि कर दो 120/100 कर दो भाई, और हर में 5 मिनट कमी कर दो 95/100 कर दो भाई, और फिर क्या चाहिए, और बराबर भिन्न बन जाती है 5/2। अगर 5/2 बन जाती है 100 कट गया, x बटा वाई बराबर क्या, ये बन गया 5/2 गुणा 95/120। अब जरा सोचो, 5 से आप काटो 95/120 बन गया, तो हम काटते हैं अगर तो 5 से काटो, 5×2=10, 5×20, और कुछ कटने वाला है नहीं ना, तो ये बन जाएगा 95/48। 95/48 सी विकल्प सही जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कि मैंने जो कैलकुलेशन में तमाम तरह के यूट्यूबर लोग ट्रिक बनाते हैं, ये कर दो तब भी हो जाएगा, वो कर दो तब भी हो जाएगा, हमने किसी का इस्तेमाल नहीं किया। एकदम बेसिक तरीका जो आप जानते हो मैंने वही लगाया है, और रफ्तार में कोई कमी नहीं पाओगे। क्या समझे आप, ये खाली बहानेबाजी है, ये आडंबर है। बचने का प्रयास करें, केवल मेहनत करें, सफलता मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।